प्रिय सरदार पटेल, आप जहां भी होंगे हमें देख रहे होंगे, हम आज आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू कि आपने सुख वैभव वाला वकालत का जीवन छोड़ा और खादी धारण करी हमें आजाद कराने के लिए। थैंक यू आपने किसानों के सरदार बनकर अंग्रेजों को धूल चटाई। हम तो आजादी के बाद अलग अलग टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। थैंक यू आपने बढ़ती उम्र के बावजूद, कमजोर तबीयत के बावजूद लगातार प्रवास कर, लगातार राजाओं से मिलकर 10-20 नहीं 562 रियासतों को एक किया। थैंक यू सरदार। इसीलिए हम आपको इस विश्व का सबसे बड़ा सम्मान देना चाहते हैं, आपकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के स्वरूप में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस निर्माण कार्य को हमने मिशन बना दिया, हमने लाखों की तादाद में दौड़ लगाई, हम में से करीब 2 करोड़ लोगों ने एकता की शपथ ली। गुजरात के मंत्रियों की टीम निकल पड़ी देश के 26 राज्यों में एक ऐतिहासिक सफर पर। देश भर के हजारों किसानों ने खेती में उपयोग में आने वाले औजारों का लोहा आपको समर्पित किया और हम 125 करोड़ भारतवासी देखते रह गए जब हमारे दिए लोहे के औजार पिघल कर बने आपकी इस भव्य प्रतिमा का हिस्सा। हां, हम लाखों गांवों ने अपनी धरती मां की मिट्टी समर्पित की थी। सोचा था धरती पुत्र को इससे बड़ी भेंट क्या हो सकती है, क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल आप जैसी है, जिस पर प्रदेश, धर्म, ऊंच नीच ऐसा कोई रंग नहीं चढ़ता। इसका तो बस एक ही रंग है, एकता का। तो आइए इस मिट्टी से ऐसी दीवार बनाते हैं जो जोड़ने का काम करे। आइए सरदार पटेल का एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न सिद्ध करें, ताकि आने वाली पीढ़ी जब जब यहां आकर इस भव्य प्रतिमा का दर्शन करे, तब उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, आंखें नम हो जाए और आजादी और एकता की विरासत समझ में आ जाए। वॉल ऑफ यूनिटी। जैसे सरदार पटेल ने भारत को एक किया था, वैसे ही उनकी इस प्रतिमा ने एक की हमारी भारतीयता। फिर एक बार सरदार, थैंक यू। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोहो पुरुष है हमारा सरदार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की एकता के प्रणेता को राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि।